सावन का महीना चल रहा है, देश भर में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाकों का बहुत बुरा हाल है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार असम में लगभग 500 करोड़, हिमाचल प्रदेश में 787 करोड़, उत्तर प्रदेश में 225 करोड़, कर्नाटक में 194 करोड़ का नुकसान बाढ़ से होने वाली तबाही के कारण अब तक हो चुका है। देश के कई हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। पानी का प्रहार है, हर कोई लाचार है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर करीब 125 सैलानी बाणगढ़ वाटरफॉल देखने गए थे, तभी कावेरी नदी में बाढ़ आ गई। अचानक जलस्तर बढ़ने से सभी लोग फंस गए, इसमें बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी। निकलने की कोई सूरत नहीं थी, मगर जैसे ही इसकी खबर स्थानीय पुलिस को हुई, पूरी टीम वहां पहुंच गई। रस्सी के जरिए मानव श्रृंखला बनाई गई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी सैलानियों को बाहर निकाला गया। काशी के घाट गंगा के उफान में डूबे नजर आ रहे हैं। सभी 84 घाट गंगा में समाये दिख रहे हैं। गंगा का पानी 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन बहुत अफसोस का बात है कि अभी तक यहाँ पूरा बाढ़ का पानी फैला हुआ है और यहाँ पे प्रशासन ने मना किया है, घूमने के लिए अलाउ नहीं है। फ्लड ना रहते तो हम लोग काफी एंजॉय करते थे, लेकिन बारिश नहीं है तो भी हम लोग ने इतना तो एंजॉय कर लिया, लेकिन अगर फ्लड नहीं होता तो और भी ज्यादा एंजॉय कर सकते थे। था कि नौका विहार करेंगे, लेकिन पानी बहुत बढ़ गया तो बोले कि नौका विहार तो आज नहीं होगा। बाढ़ तो आता जा रहा है, एकदम बढ़ते जा रहा है, बहुत परेशानियां हो रही है। एक तरफ जहाँ गंगा आरती ऊंचाई वाले स्थानों पर हो रही है, तो वहीं नौका संचालन पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जीवन बचाने वाले पानी का सितम यह है कि अंतिम संस्कार भी काशी की गलियों में हो रहे हैं। इधर संगम नगरी में भी गंगा यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कहीं पानी से दहशत है तो कहीं यह भक्ति का सबब है। संगम के लेटे हनुमान जी को स्नान कराने माँ गंगा पहुंची है। ये दृश्य यहाँ के लोगों के लिए आस्था का विषय बन गया है। यहाँ जैसे ही माँ गंगा का आगमन हुआ तो घंटे घड़ियाल बजाए गए, आरती की गई और माँ गंगा का स्वागत किया गया। मंदिर में गंगा का पानी आने के बाद साधु संतों और श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ और मंत्रोच्चार किया और जयकारे लगाए। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि हनुमान जी महाराज को नहलाने गंगा मैया आती, तो हम सभी का ये अधिकार बनता है जब गंगा मैया आए तो हम उनका स्वागत करते हुए हनुमान जी का स्नान कराए। तो हम यही समझते हैं कि जिस वर्ष यहाँ हनुमान जी महाराज स्नान करते हैं उस वर्ष समस्त विश्व का कल्याण करते हैं। तो ऐसी कामना है हमारी कि हनुमान जी सबका कल्याण करे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सबको नारायण जय श्री राम। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। सिवनी में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। यहाँ छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। तेज बारिश हुई तो नदी का पानी शहरों तक पहुंच गया। स्कूलों के चारों तरफ पानी का जलस्तर बढ़ने लगा। प्रशासन को खबर दी गई तो रेस्क्यू टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और इसके बाद बच्चों को स्कूल से निकाला गया। इस बार बाढ़ बारिश में सबसे ज्यादा नुकसान असम को हुआ है। 13 जिले और 695 गांव में ऐसी बर्बादी हुई कि इसे फिर से संवारने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से मदद मांगनी पड़ गई है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग रेस्क्यू कैंप में जिंदगी गुजार रहे हैं। बाढ़ के पानी में 13,000 हेक्टेयर फसल डूब गई। 2021 में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से 1989 लोगों की मौत हुई थी। 2022 में 1553 लोगों की जान गई। 2023 में 1589 लोगों की मौत हुई और 2024 में अब तक बाढ़ बारिश से 2616 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में भी तेजी से बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। शहर, गांव, गली मोहल्ले, दुकान मकान, खेत खलिहान सब डूबे नजर आ रहे हैं।
लगभग 5 स्कूल में पानी घुस गया हुआ है, बच्चा को पठन पाठन में बहुत दिक्कत हो रहा है। 20 घर बसे हुआ है नदी के बीच में, खाने का भी व्यवस्था नहीं है कुछ, न विभाग में मदद किया है न ही कर रहा है, न मुखिया मदद कर रहा है, न कुछ वार्ड देख रहा है, कुछ नहीं, कोई भी नहीं देख रहा। झेलना तो पड़ रहा है कि इतना की जैसे हम लोग की क्या कहे, हम लोग का कहने का जैसे कोई चारा नहीं चल रहा है। पदाधिकारी भी जैसे अपना जैसे देख सुन करके चले जाते हैं, लेकिन कोई इस पर जैसे ध्यान बात नहीं देते। बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान में प्रलय मचा रखी है। चिंता इस बात की है कि अभी बारिश बाकी है, ज्यादातर राज्यों में भयानक बारिश की चेतावनी है। उम्मीद इस बात की है कि कुदरत कुछ रहम करेगी। भारत में बाढ़ आना असामान्य बात नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने मॉनसून की बारिश को पहले से कहीं अधिक अनियमित बना दिया है, इररेगुलर बना दिया है। इसे इस तरह से समझिए कि बहुत लंबे समय तक कोई इलाका सूखे की चपेट में है, लेकिन अचानक बहुत कम समय में मूसलाधार बरसात हो जाती है। जानकार कहते हैं ऐसा फ्लाइंग रिवर्स की वजह से हो रहा है। क्या है ये फ्लाइंग रिवर्स, आपको बताते हैं। मोन्ट्रियल में कैदारनाथ हाईवे का वो वही हिस्सा है जहां से पूरी आवाजाही बंद हो गई है। लैंडस्लाइड एरियाज जो हैं, जो कि सेंसिटिव एरियाज है जहां पर मलबा गिरता रहता है, वहां से भी दूर रहने की लगातार मौसम विभाग हिदायत दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 232 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जयपुर में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है, देख सकते हैं किस तरह से पूरा का पूरा मंदिर जल में समाहित हो चुका है। SDRF, NDRF और भारतीय सेना के जवान जो हैं दिन रात मेहनत करके लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। कम समय में मूसलाधार बारिश क्यों हो रही है? बारिश कई साल पुराने रिकॉर्ड्स क्यों तोड़ रही है? जलवायु परिवर्तन इसके लिए कैसे जिम्मेदार है? ३१ जुलाई को दिल्ली में 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश हुई और 88 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। 1 अगस्त को जयपुर में 24 घंटे में पहली बार 225 मिलीमीटर बारिश हुई। 30 जुलाई को देहरादून में 175 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, ऐसी बारिश 58 साल बाद हुई थी। 29 जुलाई को केरल के वायनाड में 372 मिलीमीटर बारिश हुई, जो एक रिकॉर्ड बन गया। 25 जुलाई को राजस्थान के दौसा में 24 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, 30 सालों बाद ऐसा हुआ। 8 सालों बाद मध्य प्रदेश के कटनी में 3 अगस्त को 152.5 मिलीमीटर बारिश हुई। भारत में कई जगहों पर अचानक हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इसका एक बड़ा कारण जानकार फ्लाइंग रिवर्स यानी उड़ती हुई नदियों को मानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये होती क्या है? जानकार कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसे तूफान बनते हैं जो हालात को बिगाड़ रहे हैं। आसमान में बनने वाले इन तूफानों को एटमॉस्फेरिक रिवर्स या वायुमंडली नदियों के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह से पानी के भाप वाले रिबन बैंड जैसे होते हैं जो गर्म समुद्र से होने वाले वाष्पीकरण से बनते हैं। यही भाप वायुमंडल के निचले हिस्से में एक तरह की पट्टी बनाते हैं जो गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की ओर जब बढ़ते हैं तो कहीं जबरदस्त बर्फबारी होती है और कहीं जबरदस्त बारिश। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फ्लाइंग रिवर्स की वजह से ही हरियाणा से लेकर राजस्थान में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है, तो मध्य प्रदेश उड़ीसा में तबाही की बारिश से लोगों की जान पर बनाई गई। जम्मू कश्मीर में सैलाब ने धावा बोला है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्बादी आई है।
साइंस मैगजीन नेचर के मुताबिक 2000 से 2020 के दौरान 80% फ्लाइंग रिवर्स भारत में बाढ़ का कारण बनी। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि हर साल फ्लाइंग रिवर्स बनने की प्रक्रिया में तेजी आई है। वैसे तो बाढ़ बारिश हर साल की कहानी है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा बारिश होने लगती है तो ये सवाल सबके सामने होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मौसम के बदलते हुए स्वरूप ने हमें एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं हम विकास के नाम पर खुद का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। न बरसें तो इंतजार, बरस जाए तो मुसीबत, कुल मिलाकर बादलों की यही कहानी। पूरे देश में अब तक अनुमान से 7% ज्यादा बारिश हुई है। राजस्थान में अनुमान से 40% ज्यादा बरसात हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 36%, दिल्ली में 6% अधिक बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आफत वाली बारिश अभी खत्म नहीं हुई है। बाढ़ कैसी होती है, कितनी खौफनाक होती है, और जब तबाही लाती है तो शहरों और गांवों की तस्वीर कैसी होती है, हम आज आपको दिखा रहे हैं। तबाही के सैलाब वाली स्थिति क्यों हो गई है, इसे समझने के लिए हमें मौसम के मीटर के पैटर्न को समझना होगा। 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। दरअसल मौसम को लेकर जारी किए जाने वाले येलो अलर्ट को खतरे का पहला सिग्नल माना जाता है। इसको मौसम विभाग की चेतावनी के तौर पर लिया जाता है। इसमें हल्की बारिश का अनुमान होता है। इसके बाद मौसम में थोड़ी बहुत खराबी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। इसमें 24 घंटे में 5 से 8 मिलीमीटर तक बारिश का अनुमान होता है। ऑरेंज अलर्ट में घर से निकलने से मना किया जाता है। मौसम विभाग रेड अलर्ट उस वक्त जारी करता है जब मौसम के ज्यादा बिगड़ने से भारी नुकसान की आशंका होती है। रेड अलर्ट जारी होने पर सभी नियमों और गाइडलाइंस का पालन करना होता है, क्योंकि इसमें 24 घंटे में 10 mm से ज्यादा बारिश का अनुमान होता है। लेकिन ये बर्बादी रुकेगी कब? दरअसल इस बार मौसम से जुड़ी दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं। राजस्थान के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है वो अरब सागर में नमी ला रहा है, और जिस समय ये घटना हो रही है उस वक्त वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं, और ये दोनों घटनाएं एक साथ मॉनसून में हो रही हैं, जिसकी वजह से जानकार कहते हैं कि बारिश का दबाव ज्यादा बन रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर तो पूरे साल रहता है, उसका रोल मॉनसून में भी रहता है, उसका रोल विंटर्स में भी रहता है। किसी भी सीजन की बात करें तो हमारे लिए वो मायने रखता है। क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें कि अलिनो और लानीना के चलते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रोल, हीट वेव का रोल, और समुद्री क्षेत्र जितने हैं उनका बहुत ज्यादा रोल रहता है। मॉनसून को दस्तक दिए हुए 50 दिन से ज्यादा हो गए, ऐसे में भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त के अंत तक कई राज्यों में जबरदस्त बाढ़ बारिश की स्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर अगस्त तक आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ बारिश का खतरा मंडराता रहेगा।